उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गए, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक तमंचा और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर खुर्जा सीओ गोपाल सिंह और इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने टीम के साथ विशेष चेकिंग अभियान चलाया था। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सीकरी गांव के पास चेकिंग के दौरान इस बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से यह बदमाश घायल हो गया। वही बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश शरीफ उर्फ गुलवा पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। यह बदमाश लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इस पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज है। बता दें कि इससे पहले रविवार को बुलंदशहर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया था। क्या नाम है? गुलवा शरीफ। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? लूट करने के लिए जा रहे थे सर। अच्छा, और लोग कहाँ थे आपके सर? और लूट आगे मिलते सब, लूट करने के सब पीछे पुलिस लग गई। हाँ। पुलिस वालों ने गोली मार दी, सब गिर गई। तुमने भी फायर किया पुलिस? हमने भी पुलिस पे फायर किया था। जब पुलिस ने गोली चलाई? जब पुलिस ने गोली चलाई। पहले भी लूट कर चुके हो? पहले भी लूट कर चुके। सर, एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या है, कौन है बदमाश, कितने राउंड फायरिंग हुई है? आज इंस्पेक्टर खुर्जा नगर और उनकी टीम जो है ढाकर रोड पर चेकिंग कर रही थी। सीकरी बम्बा की पटरी की तरफ से एक बाइक सवार आ रहा था, जिसको रोकने का इशारा किया, जिसने पुलिस पर फायरिंग की, एक राउंड फायरिंग की और बाइक को मोड़ के पीछे से भागा। और आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने 3 राउंड फायरिंग की, जो एक गोली उसके पैर में लगी और घायल होकर गिर पड़ा और गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से एक 315 बोर तमंचा और 4 कारतूस जिंदा बरामद किए हैं। पूर्व में ये लूट के 3 मुकदमों में वांछित चल रहा था। इसका नाम गुलवा उर्फ शरीफ, फादर नेम हजारी प्रसाद, रोहिंदा का रहने वाला है। कितने का इनामी है सर? 25,000 का ये इनामी है। जनपद बुलंदशहर में कुख्यात अपराधी एक से बढ़कर एक संगीन वारदात को अंजाम देकर हो रहे फरार। वहीं पुलिस भी दे रही है बदमाशों को मुंहतोड़ जवाब। आज खुर्जा नगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश से करी मुठभेड़। बदमाश के लगी टांग में गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, वहीं दूसरा साथी भागने में कामयाब। कैमरामैन हारून सेफी के साथ रिजवान अंसारी, CMN न्यूज़, बुलंदशहर।